हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लुक्स बाय दीप्ति। फ्रेंड्स, आज से 8 मंथ्स पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि हाथों से मेहंदी का रंग कैसे निकाला जाए, और वो वीडियो आप सब लोगों को इतनी पसंद आई कि उस पर तकरीबन 4 लाख व्यूज़ हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप सब लोगों को ये वीडियो इतनी हेल्पफुल लगी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि नाखूनों से मेहंदी का रंग कैसे निकाला जाए, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत ही इजीली आप किचन के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए ही आप अपने नाखूनों से मेहंदी का रंग कैसे निकाल सकते हैं। ये मेथड तब अच्छे से काम करेगा जब मेहंदी लगाए हुए 2 से 3 दिन हो चुके होंगे। इस मेथड को आपको 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तभी मेहंदी का रंग पूरी तरह से जाएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें तकरीबन आपको 2 चम्मच नमक का डालना है। नमक में बहुत अच्छी क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होती है जो गहरे से गहरे रंग को भी निकाल देती है। इस नमक वाले पानी में अपने हाथों को आपको डिबो के रखना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट लिया और मैंने यहाँ पे कोलगेट वाइट का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप कोई और भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, पर कोलगेट वाइट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मेहंदी के रंग को निकालने में बहुत अच्छे काम करते हैं। कोई भी पुराना ब्रश लेके आप अपने नाखूनों पर इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए टूथपेस्ट से इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए यहाँ पे बेकिंग सोडा, साथ ही साथ आपको चाहिए आधा कटा हुआ नींबू। को बेकिंग सोडा में सिर्फ आधा चम्मच नींबू का ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी सा हो जाएगा। दोनों को मिला के इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा और इसको आपको अपने नाखूनों पे लगाना है। इस पेस्ट को तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको अपनी नाखूनों पे इस तरह से लगाना है। वैसे तो इससे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट होने के चांस नहीं होते, पर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई जलन या अगर कोई दर्द सा महसूस हो तो इस पेस्ट को तुरंत ही निकाल दें। सूख जाने पर इस तरह से एक परत सी बन जाएगी आपके नाखूनों पे। नेक्स्ट आपको एक रफ़ सा टावल लेना है, यानी कि खुरदरा सा टावल लेना है, उसको आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसके बाद अपने नाखूनों पे इस तरह से मलना है। 1 दिन के एप्लीकेशन से आपका ये मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा हल्का पड़ जाएगा, पर आपको अगर इसको अच्छे से पूरी तरह से निकालना है तो आपको इस मेथड को 2 से 3 बार ज़रूर करना पड़ेगा। इसको आप 2 से 3 दिन तक ज़रूर करिए ताकि अच्छे से मेहंदी का रंग निकल जाए। इस वीडियो में मैं आपको 1 दिन के बाद का भी रिजल्ट दिखाऊंगी और साथ ही साथ दूसरे दिन जो मैंने नेक्स्ट डे किया था उसका भी मैं रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि हमने नाखूनों पे काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं, इसलिए नाखूनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर हैंड एंड नेल क्रीम लगाई है। आप कोई भी तरह की मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 ही दिन करने पर ये मेहंदी का जो स्टेन है नाखूनों पे, ये 2 से 3 टोन काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है। इस मेथड को मैंने 2nd डे भी इस्तेमाल किया और मैंने इस वीडियो पे भी दिखाया कि किस तरह से मेरे मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा हल्का पड़ गया है। अगर आप पूरी तरह से मेहंदी का रंग निकालना चाहते तो इस मेथड को तकरीबन 3 दिन ज़रूर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 दिन के एप्लीकेशन से ही मेरे मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। इसको आप 3rd डे भी ज़रूर रिपीट करिए। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी हो, और अगर यूज़फुल लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।